नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अभी ये खबर आ रही है कि तुर्की में एक भारतीय विद्यार्थी को किडनैप कर लिया गया था तीन पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स के द्वारा। बाद में उसके फैमिली के पास से 20 लाख रुपए की मांग की गई। बाद में जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आई, उससे ये स्पष्ट पता चल रहा है कि उस लड़के को हाथ पैर बांध कर एक रूम में रखा गया। इस लड़के का नाम है आखिर कृष्ण राधा कृष्णन, जो कि तुर्की में पढ़ाई के लिए गया हुआ। बाद में अच्छी बात यह रही कि जैसे ही तुर्की की पुलिस ये पता चला, इस वाकये का, इस इंसिडेंट का पता चला, उन लोगों ने तुरंत ही एक्शन में आते हुए उन तीन पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया और अखिल को वहां से छुड़ा लिया। अब ये पहली बार की या लोन इंसिडेंट नहीं है। ऐसा ही इंसिडेंट कुछ ही समय पहले कॉम्बोडिया में हुआ था, जहां पर कुछ पाकिस्तानियों ने एक इंडियन स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया। उन्होंने भी बाद में उस स्टूडेंट के फैमिली के पास से पैसों की मांग की थी। तो इसी प्रकार की घटनाएं समय दर समय आ रही हैं और धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं, खास करके ऐसी कंट्रीज में से जिन कंट्रीज में खुद की उनकी एजुकेशन सिस्टम की कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर वो फैमिलीज अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आकर अपने बच्चों ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में धकेल देते हैं। जबकि किर्गिस्तान हो, उज़बेकिस्तान हो, तुर्की हो, कॉम्बोडिया हो, इन जैसी जो कंट्रीज हैं, उसमें रेट ऑफ क्राइम बहुत ही हाई है, वहां की पुलिस सिस्टम बहुत ही करप्ट है, और साथ ही में वहां का जो एजुकेशन लेवल है वो भारत से काफी ही निचले स्तर का माना जाता है। फिर भी ऐसी कंट्रीज में पढ़ाई के लिए क्यों भेजा जाता है स्टूडेंट्स को, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात। हम खुद पिछले 12 साल से वीजा कंसल्टिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और हमारे कई सारे स्टूडेंट मेन स्ट्रीम कंट्रीज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या तो उन लोगों को पीआर भी मिल चुका है, चाहे वो कैनेडा हो, चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सभी कंट्रीज में हम लोग स्टूडेंट्स को भेजते थे। तो उसके पीछे भी एक क्लियर विजन था हमारा कि जहां पर भी कोई भी स्टूडेंट को अगर हम भेजें तो उसकी सेफ्टी सबसे प्रायर है। उसके बाद आता है जो पढ़ाई का उस जगह का स्तर है वो, और फिर आता है फाइनेंस। तो अगर कोई भी माँ बाप इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि वे लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं, कंसल्टेंसी वाले अपना काम करेंगे ही, उनको पैसा कमाना है किसी भी तौर पर, वो लोग पैसा कमाएंगे, तो उसके लिए कई सारी ऐसी कंसल्टेंसी हर रोज खुल रही हैं जो कहीं पर भी आपके बच्चे को भेज देगी, जहां पर उसकी सुरक्षा की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन क्या माँ बाप के तौर आप लोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आप लोग नहीं स्टडी कर सकते ऑनलाइन, या फिर एटलीस्ट दूसरे ऐसे अपने परिवारजनों से या दोस्तों से या किसी से भी पूछकर आप एटलीस्ट कंफर्म करवा सकते हैं कि उस बच्चे को जिस जगह पर भी आप भेजने का प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो जगह उस बच्चे के लिए कितनी सुरक्षित है? अगर बात करें यहां पर अखिल की, तो उसका जो लक था वो उसके साथ था, नहीं तो ये जो करंट सिचुएशन थी जिसमें वो पाया गया, जिसमें उसके हाथ पैर बंधे हुए, परिस्थिति उससे भी विकट हो सकती थी। उसको मार भी दिया जा सकता था अगर उन पाकिस्तानी असाइलम सीकर थ्रेट फील होता, और ऐसा हुआ भी है। कई सारे भारतीयों को टारगेट समय दर समय अलग अलग कंट्रीज में बनाया जा रहा है और उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इसके बारे में भी हमने न्यूज आगे भी शेयर किए हैं, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो जाकर देखें, सचेत रहें, और अगर आपके परिवार में से कोई भी बाहर जाने का प्लानिंग कर रहा है तो सोच समझ कर जाए, हर एक एस्पेक्ट को देख कर जाए कि क्या वो जगह उन लोगों के लिए सेफ है, क्या वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका कोई इंपॉर्टेंस है, और क्या वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली वायबल, क्योंकि सपोज अगर वो बच्चा वहां से पढ़कर बाद में जॉब नहीं पाता, तो फिर आप लोग जो भी पैसा उसमें लगा रहे हैं उसको कैसे रिपे करेंगे? इसके बारे में एक बार जरूर सोचें और अपने दोस्तों से, परिवारजनों से एक बार सलाह मशवरा जरूर। ऐसा कोई केस अगर आपके घर में आता है तो
तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।